हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है कि मेरी सिस्टर घर पर आई हुई है, तो हम दोनों डेली ही शाम को कुछ ना कुछ टिफ़िन बनाते हैं। तो आज सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आज हम दोनों मिलके बनाने वाले हैं दही पूरी। नाम सुनते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, मुझे पता है, क्योंकि दही पूरी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली गर्ल्स लोगों को। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलती हूँ बनाने के लिए, और आप लोग भी वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। दही पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर में पटेटो डालेंगे और उसको गैस पर चढ़ा देंगे अच्छे से बॉयल होने के लिए। जब तक पटेटो अच्छे से बॉयल होता है, तब तक हम इस साइड के गैस पर चटनी रेडी कर लेंगे। और चटनी रेडी करने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में देंगे इमली, फिर हम उसमें ऐड करेंगे पानी, और फिर हम देंगे गुड़। उसे अच्छे से मिक्स होने के बाद हम लोग डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और फिर एक एक करके हम चिली पाउडर, और लास्ट में हम थोड़ा सा जीरा पाउडर उसमें ऐड करेंगे, और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम लोगों का चटनी एकदम से चटनी रेडी होने के बाद हम लोग अभी पूरियाँ ठीक कर लेंगे। और हमने ये पूरियाँ मार्केट से ली है, इसे घर पर भी बनाया जा सकता है मैदा और सूजी के साथ, और ये मुझे आता भी है बनाना, पर आज टाइम कम था इसलिए हम लोग ने मार्केट से ख़रीद ली है। हम लोग अभी एक एक करके सारी पूरियाँ तल लेंगे। दही को एक बोल में लेंगे और उससे अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे, साथ ही बादाम को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लास्ट में हम रेडी करेंगे पटेटो, जो कि हमने सबसे पहले बॉयल करके रखे थे। तो अब हम लोग उसमें ऐड करेंगे एक एक करके सॉल्ट, चॉप की हुई अनियन, कोरिएंडर लीव्स, चिली पाउडर, जीरा पाउडर, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब कुछ हमने रेडी कर ली है, और अब हम लोग एक प्लेट में उसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। Thank you.
ने सोचा था उससे अच्छे से डेकोरेट करेंगे, पर हम दोनों ही थक चुके हैं इतना सब कुछ करते करते, इसलिए प्लेटिंग इतना अच्छा नहीं हो पाया। फाइनली अभी टाइम आ चुका है टेस्ट करने की, और हम सब ने टेस्ट की।